सो भाई आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ना, ये जो फेमस सा स्टैचू है, ये एक्चुअली है सिंगापुर का, ये लैंडमार्क है। और अगर आप गौर से देखोगे ना तो उसका जो सिर है ना, सिर एक शेर का है, यानी एक लायन का है, और लायन के ठीक नीचे आप देख सकते हो फिश का बॉडी है, यानी मछली का बॉडी है। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे ये है चाइना टाउन। सो इस वक्त मैं हूँ भी चाइना टाउन में, और मेरा प्लान है, जी हाँ, सिंगापुर का ये व्लॉग है और मैं इस वक्त सिंगापुर में हूँ, और मेरा भी प्लान है मलायन पार्क जाने का। तो अभी मैं जा रहा हूँ मलायन पार्क में। सिंगापुर का ये मेरा सेकेंड डे, फर्स्ट डे मैं बस सो के निकाल दिया, ये मेरा दूसरा दिन है। उस प्लेस को ना मैं एक्चुअली दो मोड में दिखाऊंगा, एक दिन वाले मोड में, एक रात वाले मोड में। सो अभी दिन है, सुबह का अभी 10 बज रहा है, सो अभी दिन वाले मोड में कैसा लगता है वो दिखने में वो दिखाता हूँ। अभी मेरे पास एक कार्ड है ट्रैवल पास से, मैंने 3 दिन के लिए $38 की मैंने 3 दिन के लिए ट्रैवल पास ली। उस ट्रैवल पास में मैं बस मेट्रो वगैरह अनलिमिटेड एक्सेस कर सकता हूँ। मैं पूरे दिन में सिंगापुर में अनलिमिटेड एक्सेस करूँगा। सो भाई अब मैं आ गया हूँ चाइना टाउन से रैफेल्स पैलेस। रैफेल्स पैलेस के आसपास में ही वो पड़ेगा, मरीना भी पड़ेगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे एक कैनल भी है। इस कैनल में आप क्रूज़ भी कर सकते हो, यहाँ पे क्रूज़ का ये काउंटर भी है, ऑपरेटिंग 9 to 11 का नाम है बॉम्बर्ड क्रूज़, ये क्रूज़ आप कर सकते हो। सो भाई मैं फाइनली आ गया हूँ वो मलायन पार्क में। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे वो लाइन दिख रहा है, लेकिन वो आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। सो मैं सामने जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ वो लाइन। सो आप जैसा कि देख सकते हो ये है वो लाइन, वो आइकॉनिक लाइन। आपको लग रहा है ये क्या मजाक है भाई, ये लाइन वो थोड़ी है। ऑफकोर्स ये वो लाइन नहीं है, ये दूसरी लाइन है, ये उसका मिनिएचर है। असली वाली जो लाइन है ना वो है। सो भाई वो जो आप देख रहे हो ना वो है मरीना बे, सिंगापुर का सिग्नेचर बिल्डिंग है। सो भाई आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ना, ये जो फेमस सा स्टैचू है, ये एक्चुअली है सिंगापुर का, ये लैंडमार्क है। और अगर आप गौर से देखोगे ना तो उसका जो सिर है ना, सिर एक शेर का है, यानी एक लायन का है, और लायन के ठीक नीचे आप देख सकते हो फिश का बॉडी है, यानी मछली का बॉडी है। अब अगर आराम से देखोगे तो वो है, देखो आप, उसका जो सिर है वो शेर का है और नीचे जो बॉडी है वो फिश की है। तो ये क्या करती है, ये ऑफिशियली सिंगापुर को रिप्रेजेंट करती है, अ लायन एंड अ फिश। और ये है मलायन, और इसके ठीक सीधा है वो आप देख सकते हैं, वो है मरीना बे। ये जितना खूबसूरत दिन में लगता है ना, उससे ज़्यादा खूबसूरत रात में लगता है। सो बेटर होगा अगर आप दिन में भी और रात में भी दोनों टाइम पे आए। जैसे ताजमहल है, दिन में तो खूबसूरत लगता है, अगर रात को आओगे तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सो दैट्स वाई अगर आपका प्लान है यहाँ पर आने का, यानी मलायन पार्क आने का, सो आप आ सकते हो। यहाँ का जो नियरेस्ट MRT है ना, वो नियरेस्ट MRT है रैफेल्स पैलेस। रैफेल्स पैलेस आकर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे इसको आप एक्सेस कर सकते हो। और ये एक्चुअली ये जो स्पॉट है ना, ये फोटोग्राफी स्पॉट है। आप कोई भी अगर सिंगापुर आता है ना, तो आप उनको इस तस्वीर के साथ तो आप देखते ही हो। बैकग्राउंड में ये जो मलायन है, इनके साथ तो आप देखते ही हो। मैंने भी कुछ फ़ोटो वोटो लेनी है, तो मैं भी पहले फ़ोटो वोटो शूट कम्प्लीट करता हूँ। भाई को रील्स भी बनानी है, तो भाई भी रील्स वील्स बनाएगा, देन उसके बाद मैं आप फुल मूड में है भाई। और ये है भाई जुबली ब्रिज, इन सेलिब्रेशन ऑफ सिंगापुर्स 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस ब्रिज का नाम है जुबली ब्रिज। ये भी एक्चुअली एक फोटोजेनिक पॉइंट है, यहाँ से लोग फोटो लेते हैं। इंस्टाग्रामिक पॉइंट है, फोटोजेनिक पॉइंट है, यहाँ से नॉर्मली लोग फोटो लेते हैं। इस पॉइंट से वो देख सकते हैं आप वो क्या नाम है उसका, मरीना बे, मरीना बे एंड मलायन पार्क, वो दोनों दिखता है। सो ये एक बेस्ट पॉइंट है फोटोज लेने के लिए। तो भाई यहाँ पे एक मैं 360 डिग्री का व्यू एक आपको दिखाई देता हूँ। ओके, तो ये है भाई मरीना पे। HSBC, एशियन बैंक है।
दिखाया आपको थोड़ी देर पहले। पूरा सिंगापुर ना सीसीटीवी कैमरा से भरा हुआ है, हर गली हर चौराहा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यहाँ का जो रूल्स है ना काफी सख्त है, काफी सख्त। जो फाइन भी है ना वो थोड़ा मोड़ा 100-500 रुपए वाला फाइन नहीं है, 30,000, 60,000, 1,00,000 रुपए ऐसा सा फाइन है। सो रूल्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए वरना आपका नुकसान हो सकता है। वैसे मैंने इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जो जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे है, कि सिंगापुर में कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और सिंगापुर में कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए क्योंकि आपका एक भारी नुकसान हो सकता है। वो मलायन पार्क के बाद एक और प्लेस है गार्डन्स बाय द बे, वो भी काफ़ी आइकॉनिक है और सिंगापुर का फेमस लैंडमार्क है। सो मैंने सोचा इस प्लेस को भी आपको मैं दिखाई दूं। सो बेसिकली मैं हूं अभी गार्डन्स बाय द बे, ये है गार्डन्स बाय द बे और इसके ठीक उल्टा तरफ है मरीना बे। जैसा कि देख सकते हो ये है मरीना बे। अब रात का नज़ारा, जैसे कि मैंने दिन में कहा था कि मैं दिन का नज़ारा दिखा रहा हूँ और मैं रात को आके फिर एक बार आपको नज़ारा दिखाऊंगा। तो ये रात में कैसा दिखता है अब मैं आपको दिखाता हूँ।